तारीख 24 जनवरी वेडनेसडे को एसीबी के अहलकारों ने एस बालाकृष्णा, सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट रियल स्टेट रेगुलरिटी अथॉरिटी TSRERA और मेट्रो रेल में प्लानिंग ऑफिसर के अहाते पर बेक वक्त छापे मारे। इससे कबल वो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA में टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। एंटी ग्राफ्ट बॉडी की 14 टीमें की जानिब से तलाशी का अमल दिन भर जारी रहा और जुमेरात को दोबारा शुरू होने का इम्कान है। बालाकृष्णा के घर दफातर इनके रिश्तेदारों के अहाते पर बेक वक्त छापे मारे गए, जिससे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के एहसासों की बाजियाबी हुई। अब तक तकरीबन 40 लाख रुपए नकदी, 2 किलो सोना, मनकूला और गैर मनकूला एहसासों के दस्तावेजात, 60 महंगी कलाई घड़ियां, 14 मोबाइल फोन और 10 लैपटॉप जब्त किए गए। अहलकार के बैंक लॉकर्स अभी खुले हैं। एसीबी ने कम से कम 4 बैंकों में लॉकर्स की निशानदगी की है। एसीबी अहकाम को मुबीना तौर पर अहलकार की रिहायशगाह पर कैश गिनने वाली मशीन मिली है। जब से इसने HMDA में खदमात अंजाम दी, तब से इसने मुबीना तौर पर दौलत जमा की थी। जारी तलाशी से मजीद एहसासों का पता लगने का इम्कान है। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद मनाजिर हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खास रिपोर्ट में। ఒకటి బండి యాక్ అవును సార్।